हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्राइस स्केल की कैलिब्रेशन के मुताबिक। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके कहा था कि आप हमें प्राइस स्केल की कैलिब्रेशन बताएं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने प्राइस स्केल की कैलिब्रेशन भी आप लोगों के सामने शेयर की जाए। तो इसमें बहुत सारे मॉडल हैं लेकिन सबकी कैलिब्रेशन तकरीबन सेम है, लेकिन उसके अंदर जो पासवर्ड यूज़ होते हैं वो सारों के तकरीबन अलग हैं। तो चलें दोस्तों, आज प्राइस स्केल की कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यही कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। आगे जो मेरी वीडियो आ रही हैं उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि इंडिकेटर के मेन बोर्ड को किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, और लोड सेल को आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें दोस्तों, फ़िलहाल तो प्राइस स्केल के कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जब इंडिकेटर ऑन होगा अपनी 00 पोजिशन पर होगा तो इसका शुरू में आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड इसका है 36 3 6 5 8 टीयर। जैसे ही आप टीयर के बटन को प्रेस करेंगे यहाँ कॉल 0 आ जाएगा। आपने 1 के बटन को प्रेस करना है और टीयर के बटन को प्रेस करना है। जब 1 जो है इसका वो इसकी 0 कैलिब्रेशन है, यानी अनलोड कैलिब्रेशन है, यानी 0 कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो 2 आएगा यहाँ पर, 2 के ऊपर हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है। इस टाइम हमारे पास 5 kg का डेड वेट है, तो 5 kg के डेड वेट को मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। उसके बाद आपने टीयर के बटन को प्रेस करना है तो आपके सामने 3 आ जाएगा। 3 जो है इसकी स्पैन वेट है, जो कि हमने जितना डेड वेट हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है वो स्पैन वेट हमने यहाँ पर लिखना है। तो इस टाइम हम लिख देते हैं 5 kg का रखा है, तो 5 लिख के हमने 2 0 आगे डाल देंगे, क्योंकि इशारे के बाद 2 0 आएंगे और 5 जो है यहाँ पर आएगा, तो इसलिए हमने इशारिया 5 के बाद 2 0 हमने लिख दिए। उसके बाद हमने टेयर के बटन को प्रेस करेंगे तो इसके बाद 4 आ जाएगा। 4 इसकी फुल कैपेसिटी है। फुल कैपेसिटी हमने दोबारा एंटर करेंगे और लिखने हैं, ये हमने 100 लिखा, 100 के बाद 2 0 और लिख दिए। उसके बाद टेयर के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद 5 आ जाएगा। 5 इसकी जो है डेसिमल पॉइंट है, यानी इशारे के बाद कितने 0 आने चाहिए वो इशारे के बाद 2 0 आने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद हमने टेयर के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, वो हमारे से 6 में जो है इसकी डिवीज़न है, तो डिवीज़न जो है इसकी हमने 50 ग्राम रखनी है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद हमने टेयर के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई। ये देखें फ्रेंड, ये 5 kg by 50 ग्राम पर ये सेट हो गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।